हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सुमिन बोस फिर प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो डमी पतंग से पतंग लड़ाने का पेच वगैरह कुछ सिखाऊंगा, और ये जो क्लब फाइटर्स हैं वो किस तरह से पतंगे लड़ाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपने किस तरह से पतंगे लड़ाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे पहले वीडियोज़ आप लोगों ने जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं लिंक में सारी वीडियोज़ को डाल दूंगा, तो आप ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, ये मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ इस जो सीरीज़ में, जितनी भी वीडियोस पहले बना चुका हूँ मैं, पतंग खरीदने से लेकर के आपका गन्ना बांधने से लेकर टेप लगाने से लेकर मांझा खरीदने से लेकर सर्दी ले गए उसके सेफ्टी के लिए, सारी की सारी जो मैंने आपको सारी मेथड्स वगैरह बता रखी है पहले वीडियोस के अंदर, और ये लास्ट वीडियो है, और इस लास्ट वीडियो में मैं आपको दो पतंगों को आपस में लड़ते हुए दिखाऊंगा कि ये किस तरह से लड़ते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे राइट हैंड में जो पतंग है ये पटियल पतंग है, ये आपकी है, और ये ओपोनेंट की पतंग है। ओपोनेंट भी काफ़ी उस्ताद है पतंग लड़ाने में, और वो आपसे किस तरह से लड़ाएगा और आपने किस तरह से लड़ाना है जरूर देखिए। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप नीचे से लड़ाना चाहते हैं और खींच के लड़ाना चाहते हैं, अगर खींच के लड़ाने का मैं पेच आपको दिखा रहा हूँ, आप अपनी पतंग को थोड़ा सा जो है डाउन में लेकर के आइए, और अगर वो आपको जगह नहीं देता है नीचे से तो फिर क्या करिए कि आप अपनी पतंग को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, तो उठाएंगे तो फिर क्या है कि वो जैसे ही वो नीचे से लाने की कोशिश करिए अपनी पतंग घुमाएगा, आप अपनी पतंग फट से डाउन कर लीजिए और एक ही हाथ में इसके अंदर चले जाइए। अब क्या है फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ देखना है कि अगर उसकी डोर बहुत नज़दीक है, अगर ऊपर वाले पतंग की डोर नज़दीक है तो आप खींचने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, क्योंकि इससे मोमेंटम नहीं बनेगा और आपकी पतंग कट जाएगी। तो आप क्या करिए, आप गैप बनाइए, आप पहले क्या करिए भीतर का चक्कर दीजिए, बाहर का चक्कर नहीं देना, आपने भीतर का चक्कर देना है, भीतर का चक्कर दे करके आप भीतर घुसिए। वो जैसे ही अपनी पतंग को नीचे की तरफ डाउन करेगा, जिस टाइम गैप रहेगा, तो फिर क्या करना है आपने जो है, अगर वो सीधा एकदम मार रहा है तो फिर आप हल्का सा टेपर खींच करके उसकी पतंग को ऐसे करके काट सकते हैं, इस पोजीशन से काट सकते हैं। आप फिर से देख लीजिए कि आपने क्या करना है, उसके पतंग पे नीचे जाना है, और नीचे जा करके अगर उसका मुद्दा बिल्कुल सही है, बिल्कुल वो भी टेपर मार रहा है, तो फिर आप अपने मुद्दे को बचाइए। आप अपने मुद्दे को इसलिए बचाएंगे क्योंकि अगर आप उसके टेपर जाते हुए मुद्दे पे खींचेंगे तो फिर वो आपकी पतंग काट देगा। आपने क्या करना है, भीतर का चक्कर देके आप भीतर और घुसिए, तो इस समय वो क्या करेगा, जब आप ज़्यादा घुसेंगे तो वो अपनी पतंग को ऑब्वियसली ऊपर ही उठाएगा, जैसे ही आप देखेंगे उसका मुद्दा ऊपर है आप उसको पतंग पूरा खींच करके काट सकते हैं। ये तो दो पेच हो गए आपकी खींच करके लड़ाने के लिए। अब मैं फ्रेंड्स आपका पतंग से मैं फिर ऊपर से बता रहा हूँ कि ऊपर से आपने किस तरह से लड़ाना है। मान लीजिए ये पटियल पतंग आपकी है और ये पतंग ओपोनेंट की है, तो आपने ऊपर से जाना है, ऊपर से जाकर के क्या करना है, फिर अगेन भीतर का चक्कर दीजिए। जब आप देखेंगे उसकी पतंग का मुद्दा भीतर की तरफ है, आप तब उस टाइम पेपर इस तरह से गद्दा मार के उसकी पतंग को काट सकते हैं। लेकिन अगर उसका मुद्दा बिल्कुल तैयारी पे, उसका भी मुद्दा अगर पेपर पे है, तो आप गद्दा मारने की कोशिश मत करिए, नहीं तो वो खींच करके आपकी पतंग को काट देगा। तो इस तरह से क्या है कि आपने सिर्फ उसके मुद्दे को देखना है कि उसका मुद्दा गलत हो रहा है, तो उसका मुद्दा जो गलत है भीतर की तरफ, अगर उसका मुद्दा है और वो मुद्दे को अगर वो भीतर की तरफ रख करके फिर क्या करेगा कि अगर वो बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो उस समय आप भीतर का गद्दा मार करके पेच काट सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं ये तो क्लब वाले लड़ाते हैं, लेकिन मैं अब आपको बहुत साधारण तरीके से पेच लड़ाने सिखाऊंगा, जो कि छतों पे लड़ते हैं, जो कि आपके त्योहारों में पतंग उड़ाई जाती है वो लोग किस तरह से लड़ाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग देखिए इस तरह से आप भीतर से आइए और आप अपने पतंग का जो है डोर को थोड़ा सा टाइट रख करके भीतर का चक्कर दीजिए। अगर वो अपनी पतंग को डाउन लाता है और ला करके बिल्कुल ढीला छोड़ देता है, पतंग को बिल्कुल ढीला ऐसे जाने देता है, तो आप फट से खींच लीजिए, ये आपका जो है 99.9% काटा हुआ पेच होगा। आप इस तरह से 99.9% काट सकते हो, इसमें जो है ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने पतंग अपनी ऊपर से नीचे डाउन करी और ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल पतंग को बिल्कुल एकदम ढीली छोड़ दिया, तो आप पटाख से खींच करके उसकी काट लीजिए। आप किसी भी मुद्दे को खींचेंगे काट देंगे, अगर आप इस मुद्दे को भी खींचेंगे काट देंगे, अगर आप स्ट्रेट खींचेंगे तो भी काट देंगे, लेकिन अगर आप भीतर वाले मुद्दे को मत खींचिएगा, अगर वो ढीला भी छोड़ देगा आप भीतर के मुद्दे को मत खींचिएगा, अगर भीतर के मुद्दे पर आप खींचेंगे तो फिर आपकी पतंग खुद कट जाएगी। तो ये तो हो गया आपका नीचे का पेज, अब मैं आपको ऊपर का पेज दिखाता हूँ। ऊपर के पेज में क्या करना है कि आपने इस तरह से आना है, और अगेन अगर वो ऊपर की तरफ अपना मुद्दा देता है, ऐसे करके देता है, खड़ा मुद्दा देता है, तो फिर आप उसको ऐसे करके टेपर बाहर की तरफ टेपर खींच करके पतंग को बहुत अच्छा काट सकते हैं। ये देखिए पतंग का जो है, ये मैं अब यहाँ से दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। वो अगर ऐसे खड़ा मुद्दा आपको देता है तो आप यहाँ से टेपर खींच करके उसकी पतंग को काट सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ढील का पेच के बारे में बताता हूँ।
पतंग तो लड़ाने में क्या होता है कि एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कितना पतंग उड़ाया हुआ है, आपने कितनी पतंगबाजी करी हुई है, उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसी हिसाब से आप लोग पेज काटते हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जिनको पतंग का ABCD भी नहीं मालूम और जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है पतंग उड़ाना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको ढील के पेज का बताता हूँ। ढील के पेज में क्या करना है फ्रेंड्स, आपने नीचे जाना है और नीचे जा करके और क्या करना है, आपने थोड़ा सा पतंग को अपना ऊपर चढ़ाना है, टाइट करके चढ़ाना है, और जैसे उसके डोर के नज़दीक आए तो आप टाइट चढ़ाने के साथ ये वाला चक्कर दीजिएगा भीतर की तरफ। इस चक्कर को कहते हैं भीतर की, मतलब अगर वो लेफ्ट हैंड से पतंग उड़ा रहा है लड़का और आप राइट हैंड पे हैं तो आप इस तरफ से आएंगे तो उसके हाथ के भीतर की तरफ चक्कर देंगे, यानी भीतर की तरफ चक्कर देने से क्या होगा, आपकी डोर टाइट होगी और उसकी पतंग जो है स्लिप करके कट के गिर जाएगी। इसी तरह से मैं ऊपर का पेज का भी आपको बता रहा हूँ। ऊपर के पेज में क्या करना है, अगर वो नीचे से आया हुआ है तो आपने क्या करना है, आप पेपर थोड़ा सा बाहर खींच करके जाइएगा और जैसे ही डोर के नज़दीक पहुँचेंगे आप अगेन भीतर का चक्कर दीजिए। ये आपका भीतर का चक्कर है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से नीचे से आया हुआ है और राइट हैंड साइड से ऊपर से लड़ा रहे हैं तो आपने ऊपर रखना है, ऊपर से रख करके थोड़ा सा टाइट, एकदम ढीला मत छोड़िएगा, इस तरह से आप चक्कर दीजिए, आप पेज बहुत आसानी से काट देंगे। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप मेरी उस इंपॉर्टेंट चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस दिन आप पतंग लड़ा रहे हैं, जिस दिन आप छत पे चढ़े हुए हैं और काइट फाइटिंग कर रहे हैं, तो उस दिन हवा की स्पीड क्या है, ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो उस दिन हवा की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है, अगर उस दिन 15-16 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड है हवा की, तो आप खींच के लड़ाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, तब आप ढील से लड़ाइए। बिल्कुल भी खींच के लड़ाने के बारे में आप सोचना भी नहीं, तब आप ढील से लड़ाइए। और जो ढील से लड़ाने का मैंने मेथड अभी बताया वही मेथड रहेगा, यानी आप नीचे से जाएंगे तो फिर आप ढील में थोड़ा सा टाइट भीतर का चक्कर देंगे, और अगर आप ऊपर से लड़ाएंगे तो भी ऐसा करके जाएंगे और लेकिन टाइट रखेंगे डोर को और थोड़ा सा ऐसे करके धीरे भीतर भीतर का चक्कर आप देते हुए अपने डोर को धीरे धीरे आप निकालेंगे आगे, इससे आप पेच काट देंगे। यानी बात ये हुई कि अगर हवा की स्पीड कम है, अगर हवा की स्पीड 3-4-5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तक है, तब आप खींच के लड़ाइए, तब ढील से बिल्कुल भी लड़ाने की मत सोचिएगा। लेकिन अगर हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, 15-16 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड है, तो फिर आप जो है उस टाइम खींच के लड़ाने की मत सोचिएगा, ढील से लड़ाइएगा, यही मेथड होता है। तो फ्रेंड्स अब आप, मैं ये वीडियो बंद करूंगा। मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा मेरे वीडियोस को। और मैंने अपनी तरफ से जो मेरे को मैक्सिमम नॉलेज है, क्लब काइट फाइटिंग करते हुए मेरे को 40 साल हो गया, और जो मेरे मैक्सिमम नॉलेज है उसको मैंने शेयर किया आपके साथ। और आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।